उद्घोषक पंडित वर्तमान आपण सम्मुखें अच्छा शेषदेव साहू महोदय सीए कथार बाणी आग को ने सुलित कंधरे तत्व एवं तत्व दे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। धन्यवाद सुशांत अग्निहोत्री तांकर सुलालित्यर भंगी जेभली भाव आपण अनुभव करुछंती महाप्रभुंकर संपर्क रे आजर लीलाद्री विजय संपर्क रे अनेक किछि से तांकर उपस्थापना माध्यम रे कहि अच्छे समस्ते प्रभु को दर्शन करुचे। प्रभु वर्तमान क्यों स्थान अच्छा आप निजे दर्शन कर प्रभु दर्शन ये बैश पावच्छेद जो ऋषि माने देवता माने अपेक्षा कर बैश गोटी प्रकृति की जेतेबेले नियंत्रण करी प्रत्येक भक्त जाई प्रभु चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करने को से बैश पावच्छेद आज महाप्रभु परम ब्रह्म निजे जा सर्वदा भक्त ये बैश पावच्छेद अतिक्रम कर भगवान निजे बैश पावच्छ को अतिक्रम कर आसी गुंडीचा यात्रा दिन जेतेबेले प्रभात रु निजर नित्य कर्म नानादि सारी तर तर हो दर फुटा खेचिड़ी खाई बैश पावच्छेद आसी आज जोबले नीलाद्री कंदर को जीवाक पड़ी नीलाद्री विजय आड़प विजय आड़प मंडप को विजय नीलाद्री को विजय जो कि प्रभु जानती सेठी विजय कहा जाए विजय कहा जाए तेणु महाप्रभु आज प्रथम घाट कली सरी ना ये केवल लोकलज्जा को लक्ष्मी टिके द्वार पूर्व द्वार सिंह द्वार को खोली दे बहु नेहुरा परे कि भाव महाप्रभु नेहुरा हेले कि भाव कटुकथा माँ लक्ष्मी कही प्रभु कटुकथा कहले ये सब कथोपकथन वचनिका भितर पूर्व द्वार खोलीगला किंतु प्रभु तांकर भक्त समाज रु निजर घर भितर को प्रवेश कर निबंध डे पड़ कितु जिते बड़े बैश पावच्छेद से आनंद बजार दे जा प्रवेश करना भीतर गुमुट निकटे बैश पावचर ऊर्ध पावच्छ वर्तमान महाप्रभु उत्तराभिमुखी तांकर मुख परिवर्तन हेब देखते धीरे धीरे वर्तमान पश्चिम दिगक चाहते महाप्रभु पूर्व दिगक चाहती कारण महाप्रभु सबु दिगक महाप्रभु चाह संपूर्ण रूपे पश्चिम दिगक महाप्रभु वर्तमान मुखारविंद कर पश्चिम पश्चिमाभिमुखी ब्रह्मदर्शन से तत्व अलग दक्षिणाभिमुखी ब्रह्म तत्व दर्शन से तत्व अलग पूर्वाभिमुखी ब्रह्म दर्शन से तत्व अलग प्रति दिगर तत्व प्रति दिगर महात्म्य ब्रह्म जो दिग को चाहती परम ब्रह्म प्रभु से शून्य ब्रह्म आज पश्चिम पट को चाह दिग को चाह कि मुहूर्त भितर आप देखिए उत्तराभिमुखी उत्तर दिग को मुख वर्तमान बुलो अच्छा मुख को किए बुल किए ये करजे से बुल जेपर्यंत निज इच्छा से करना इमाने खाली निमित्त मात्र हाथ पक था श्री अंग कौन किए क्या कर अंगलागि सेवक मान मुक्त कंठरे प्रकाश कर दारु ब्रह्म को कहंडी करेबार टेकिकी आणवार शक्ति कहार अच्छे धरा पृष्ठ संसार कहार अच्छे से महामेरु महादारु से उठे से निजे जाते निजे चलते निज काम निजे करम से क्या दिखते ना केवल माध्यम भाव रखि था प्रत्येक कार्य को से जो लक्ष्य न देवे प्रत्येक कार्य प्रति दृष्टि न देवे कौन सी कार्य हो आहा आलट किभली भाव आलटधारी सेवक माने
विभिन्न मठर विद्यार्थी मठाधीश मैंने ये जो आलट देखुं सुंदर भाव में प्रभु करु कहीं आलट हम कहीं चमर हम ना ये महाप्रभु जिते बड़े चली चली धरा पृष्ठ में जाते छेचा कचा खाऊ तो छेचा कचा खाई जाऊँ महाप्रभु शरीर रु स्वेद निकट झाड़ महाप्रभु बाहर आप महाप्रभु झाड़ बाहर सी तो काठर दि सी काठ दि कि सीए ब्रह्म दारु ब्रह्म से कथा जो माने मैंने अंगस्पर्श करुचंती से माने जानु किछि वर्ष पूर्व को पड़े आमे माने भी साधारण भक्त अंगस्पर्श करी किए भी अनुभव करुचंती ना ये काठ नुह जदि काठ नुह ये कौन ये तो दारु ब्रह्म दारु रे निर्मित आमे हाथ मारुचे कोठी काठ नुह दारु नुह से होची महाप्रभु अलौकिक लीला किसी लौकिक लीला थाए कि अलौकिक लीला थाए महाप्रभु प्रत्येक लीलामय से प्रति लीलारे रही देख बैस पावतर के समय सी गोटे पश्चिम दिग को चाह रही कहीं महाप्रभु वर्ष तमाम पूर्वाभिमुखे बसी था एवं जिते बड़े गुंडीचा यात्रा को जाती उत्तराभिमुखी जा गुंडीचा घर जिते बड़े आसती दक्षिणाभिमुखी हूँ रथर जिते बड़े सिंहद्वार आसती पश्चिमाभिमुखी बैश पावच को सी अतिक्रम कर कौन रही से पश्चिम दिगरे से कथा महाप्रभु बुझे कहीं एत समय महाप्रभु बैश पावचर उठिले आनंद बजार दे पाट गणा दे सीता सात पहाच दे सी जीवे जगमोहन दे कि भितर को जीवे जे कहीं महाप्रभु जाऊना कौन पाई जाऊना ये सब निश्चित भाव आपड़ देखिए तत्व रही जगन्नाथ महाप्रभु पहुंच विजे करते देखिले समस्त नीति सारी श्रीमंदिर प्रवेश कर बैश पावचर अटकी से जिते बड़े प्रवेश करते श्रीमंदिर मध्य आंड कि भाव से नाचवा भी छाड़ना कारण जिते कली हू जिते ब्रत हूँ जिते भय शंका आहा भूलीगले भूलीगले महाप्रभु निजे भूलीगले कहीं बुले ना ये दिग को आनंद बजार को दृष्टि पड़ा सदानंद जगदानंद आज जो आनंद बजार सी निजे सृष्टि करना पैसा रे आनंद पैसा देवा पड़े ना आप संसार सब क्रय करेंगे पैसा देवे कि महाप्रभु जहाँ दिखती बिना मूल्य बिना पैसा आनंद महाप्रभु को ठार आसे ना जो महाप्रभु एक बजार स्वतंत्र बजार करे महाप्रभु को देखा पाइबे न पाइबे भक्त तेणु महाप्रभु एक बजार मंदिर भितर कर आनंद बजार को जी आनंद नहीं आसे बिना पैसा से आनंद बजार दे आज सदानंद गमन करे आनंद बजार सिंहद्वार पुणी टी पश्चिम पट को महाप्रभु बुलुचं कौन रही महाप्रभु आज पश्चिम पटे बा पश्चिम दिगरे ता महाप्रभु जानिथिबे काहिकि पुणी धीरे धीरे हौ नियो चलो जदि कहुच आउ रहिबानी महाप्रभु को इच्छा थिला से बैश पावचर टिके रहिबा पई कि देखुनांती अनिच्छा सत्वे के प्रवेश करुचंती जो माँ लक्ष्मी तो टिके शांत पड़िले आपण तो कथोपकथन कले कथा बढ़ला किंतु पुणी अराजी कहीं होती आनंद बजार भितर प्रवेश करूना पाट अगणा चाहते सीधा सड़क आपवा कथा कितु पुणी आपण मानक आपण मन भितर भय आसूँ कौन पाई भय आप कथा किए बुझे महाप्रभु जिते बड़े भय आसे ब्रता आसे मनीष से निसहाय मन पड़े जी निसहाय मणि थाए महाप्रभु आश्रय दिखती निराश्रय दिए आश्रय दिखती आज महाप्रभु निजे निराश माँ को भय ना माँ को प्रति अनुराग
प्रेम श्रद्धा कौन तथापि आनंद बजार भितर प्रभु पशु प्रवेश करूना अंगलागे सेवक जिते कहते प्रभु आस हरी आ रुहनी आस हरी पी प्रभु पशु को पलि आस मुंड को हल झुले ना जीवि ना प्रभु रागिच कि प्रभु रागिच कौन देखु से जो प्रकार मुंड टाइ हलौन देखु किए किए न भाव महाप्रभु क्षमा कर जदि आम कि क्षमा जब मगुच त्रुटि रही क्षमा मगुचु आप आनंद बजार भितर प्रवेश करथा सिंह पाखे महाप्रभु अटकी बोध हुए सिंह कि कथा शुणापी महाप्रभु अटकी गले कारण प्रत्येक पशु पक्षी जीव कीट पतंग समस्त आराध्य समस्त प्राण हो महाप्रभु से कहुए सकल प्राणी प्राण महाप्रभु जगन्नाथ धीरे धीरे प्रवेश कले कौट कि आनंद बजार जोबले आनंद बजार को जीवे आप देखिए से आनंद बजार जो परिवेश इभली भाव रे हेबो जोटी निर्माल्य वितरण महाप्रसाद वितरण करा जाए से निर्माल्य महाप्रसाद महाप्रभु प्रवेश करिगले श्रीमंदिर आनंद बजार भितर बहुत समय जेतेबेले अपेक्षा कले से अपेक्षा कौन पर सी जानते जेतेबेले देखिबे प्रभुंकर जय विजय द्वार गोटे रही सी हूँ प्रभुंकर मेन घाट मूल घाट ये खोलीगला सी द्वार खोल तथापि माँ प्रभु प्रति तांकर जो अभिमान अनुरागर राग एपर्त जाना ताश्चित भाव आप देखिए ताभली भाव भितर हम से कथा तो आम दृश्य देख पारा ना किंतु महाप्रभु को तो अनुभव कर महाप्रभु को जापर तेणु महाप्रभुंर संपर्क जिते बुंट जय विजय द्वार भीतर पटे जैनिक देवदासी आगे रो महाप्रभु तरफ जन दईतापति द्वार अपर पार्श्व रही उभय मतलब लोक परंपरागत वचन क्या हुए जय विजय द्वार निकट महाप्रभु पहुंची विजय भीतर का समुखस्त भंडारगढ़ जिते बड़े पहुंची जो रुक्मिणी बहार काल जो गईठाण महाप्रभुकर पड़ी बहुत होते ना द्वार देखुं रूपा छाउणी द्वार महाप्रभुकर रूपार छाउणी द्वार महाप्रभु जिते बुलवाक जा जन्म बेदी को गाँ को जा गाँव रू आसला बेलूर द्वार पर अरे 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 मोर द्वार तो काष्टर था ये जो काठर द्वार रे किभली भाव रे ये रूपा कौठ आसला रौप्य छाउणी है पीतल थिला ये रूपा पड़ी मुझे दिन गली कौन ये परिवर्तन हो गला महाप्रभु टिके खुशी होती द्वार द्वार देश को जिते देखी पुष्प सज्जित हो अरुण स्तंभ वस्त्र परिधान पूर्वक रौप्य द्वार महाप्रभु जिते भयभीत थे नजर कर द्वार देश मोर टे रूपा छाउणी हो महाप्रभु टे प्रीत अच्छा तेरे आम जो कौचे श्रीमंदिर कथा बर्तन द्वार बंद महाप्रभु भितर महाप्रभुकर भितर नीति चलो सी कली घोल कई शुणवे कहीं शुणवे दुआर दे कि कली करे बड़ भाई मध्यस्थी हे से कथा तो बहुत कितु आम जो कथा कौचे श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर जो आम जानचे नवदिनात्मक यात्रा महाप्रभु कले नवदा भक्ति महाप्रभुकर रही नव नव जो नवशक्ति महाप्रभुकर रही नौ गोटी पार्श्वदेवता रथरे नौटी हाँ अधरा हाँ कि महाप्रभुकर श्रीमंदिर जानते नवदा वैकुंठ ये मर्त्य वैकुंठ कारण जेनाम वैकुंठ विदित सर्वदेवता नमस्कृत जही पुरुषे महासुखे बसंती विष्णुकर सबुके ये मर्त्य वैकुंठ ये मर्त्य वैकुंठ भितर श्रीमंदिर श्रीमंदिर भितर नौ गोटी वैकुंठ नवदा वैकुंठ ये आसला कौटी अच्छी नवदा वैकुंठ आप तो जाए जानी समस्त चिंता करेंगे महाप्रभु नवदा वैकुंठ श्रीमंदिर भितर रखिंट
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହି ଆହୁରି ନ ଗୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ, କେଉଁଟା ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ, ନା କ'ଣ, କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର କିଳିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର କିଳି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାର କିଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ବି ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ନୀଳକନ୍ଦରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୂର୍ବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପତିତ ପାବନ ଗୁମୁଟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ଗୁମୁଟ ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁମୁଟକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବୈକୁଣ୍ଠ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୂର୍ବ ପରେ ପଶ୍ଚିମ। ପଶ୍ଚିମ ବୈକୁଣ୍ଠ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜଗମୋହନ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଗମୋହନଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ନବକଳେବର ପରେ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ମଶାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ନବଦା ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଗଲା, ପଶ୍ଚିମ ଗଲା, ଉତ୍ତର ଗଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି, ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ, ଏ ଲୀଳା ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଠି, ଲୀଳା ବୈକୁଣ୍ଠ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗମୋହନଟି ଲୀଳା ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆହା ମହାପ୍ରଭୁ କିଳା ଲଗେଇଛ ଲୀଳାମୟ, ଏ ଜଗମୋହନକୁ ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିଛ। ଯେତେବେଳେ ଜଗମୋହନକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁ ବାଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ। କି ବୈକୁଣ୍ଠ, ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ। ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି, ପରମବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବିରାଟକାୟ ସ୍ଥାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ବିରାଟକାୟ ଅଗଣା, ଯେଉଁ ପାଟ ଅଗଣା କୁହାଯାଏ, ସେଇ ପାଟ ଅଗଣା ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଣ୍ଠ। ପାଟ ଅଗଣାଟି ବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଠଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ନଅଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଆଠଟି ଜାଣିଲା ପରେ ନଅ ଗୋଟି ଇଏ କେଉଁଟା ରଖିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏଇ ନଅ ଗୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ରଖିଲେ, ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଠ ଗୋଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, କେଉଁଠି ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଶବଦାହ କରିବାକୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦ୍ୱାର, ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଦେଇ ଦେବତାମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ। କି ବୈକୁଣ୍ଠ, ନା ଅମର ବୈକୁଣ୍ଠ। ନଅ ଗୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଠ ଗୋଟି, ନୀଳାଦ୍ରି ବୈକୁଣ୍ଠ, ପୂର୍ବ ବୈକୁଣ୍ଠ, ପଶ୍ଚିମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଉତ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠ, ଦକ୍ଷିଣ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଲୀଳା ବୈକୁଣ୍ଠ, ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅମର ବୈକୁଣ୍ଠ, ନଅ ଗୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ରଖି ଆଜି ସେ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଲୀଳା ସରିବ, ଲୀଳା ସରିବ, ମହାପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କାହିଁକି ମହାପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଲୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହିବେ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କହିବେ,
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ ମାସ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବିବିଧ ଆଡ଼ପ ଯାତ୍ରା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ କରି ଏକ ମାସ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ରଥ ଉପରେ ହେଇନଥିଲା କି ଅଣସର ଘରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଚକଟା ଖାଇ ଅଧର ପଣା ପିଇ ରହିଥିଲେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସେ ଆଡ଼ପ ଅବଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିଯିବେ ଯେଉଁ ଅବଡ଼ା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ତା ହିଁ ନୀଳାଚଳ ଅବଡ଼ା ସେ ଅବଡ଼ାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଦେବତାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବିଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦ୍ୱାର କିଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁ କିଳିଛନ୍ତି ନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରୂପା ଦ୍ୱାର ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ଦେଖୁଥିଲ ପିତ୍ତଳ ଦ୍ୱାର କରିଥିଲି ମୁଁ ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ରୂପା ଦ୍ୱାର ତମ ପାଇଁ କରିଲି ଏଇ ବାଟେ ଦେଇଯିବ ତମେ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବୁଝିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ସ୍ୱରୂପକୁ କିଏ ବୁଝିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ କିଏ ବୁଝିବ ବୁଝିବା ନା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନରେ ବୁଝିଯିବା ଯେଉଁ ଭଜନ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଉପଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରୁଣା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମା ସୁନାଧନ୍ୟାସୁ ଗାୟିକା ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରୁ ଯିବା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।